सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी थंबनेल के अंदर देखा होगा कायोस ऐप को ऑनलाइन चलाना, दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करने वाले और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसको लास्ट तक जरूर देखना। और जो चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आपको मोबाइल डेटा कनेक्शन ऑन करना, मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद उसको ब्राउजर के अंदर जाना है। अब दोस्तों पहले आपको बताता हूँ, यानी मोबाइल को मैंने रूट नहीं कर रखा है, यानी रूट आउट नहीं कर रखा है, यानी ओमनिस डी। और एक बार देख लेते हैं, आपको एप्स बताता हूँ, यानी इसके अंदर ओमनिस डी और वो दूसरे वाले जेबी स्टोर भी नहीं इसके अंदर आपको, और कायोस स्टोर भी नहीं है। दोस्तों आप कायोस स्टोर को ऑनलाइन कैसे चला सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, कैसे कैसे ऐप्स को आप ऑनलाइन से भी शो कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे सब कुछ बताएंगे, सब इस पर प्रेस करते हैं। और दोस्तों आपको ये लिंक कहाँ पर मिलेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और वहाँ पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये ओपन हो गए और इसके अंदर दोस्तों आप QR कोड जनरेटर या फिर स्कैनर या फिर आपको बना सकती है या फिर QR कोड को स्कैन कर सकते, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स और यहाँ पे तो ट्विटर और भी बहुत सारे ऐप्स, इसका नाम भी पता नहीं मेरे को। यहाँ पर नीचे आपको ऐप्स बता दो, ये देखो ये गेम है दोस्तों, ये भी गेम है, इसके अंदर यूट्यूब भी है दोस्तों, और नीचे लेता हूँ फेसबुक रहा और ट्विटर भी है इसके अंदर, और गूगल मैप, गूगल सर्च, और इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दोस्तों QR कोड स्कैनर, QR कोड जनरेटर, और ये गूगल असिस्टेंट रहा, और ट्विटर, वेदर का भी यानी एक्सटेंडर भी इसके अंदर, और वेदर भी जैसे यह रहा यूट्यूब, इसको आप ऐसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि इसके अंदर है। अब दोस्तों ऊपर आना है आपको, ये इसके अंदर आप कैटेगरी या फिर पोस्ट देख सकते हैं कि इस ऐप्स के बारे में क्या कुछ पोस्ट रही है, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाना है आपको, और इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, सीधा ही ये ऐप्स ओपन हो जाएगा। गूगल सर्च, गूगल मैप और यहाँ पे फेसबुक भी है इसके अंदर, ऊपर आता मैंने अभी ऊपर आया दोस्तों मैं, यानी इसके अंदर हम नीचे चले गए थे अभी, यह रहा ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2018 से इसके अंदर अपडेट है, और इसके अंदर ब्लॉग क्या कुछ है देखते हैं दोस्तों। इसके बाद छोटा करते इसको जूम आउट कर देते हैं, ब्लॉग पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे सर्च लेने लगे, और दोस्तों यहाँ पे जो भी दोस्तों नए दोस्तों यानी नए ऐप्स आते दोस्तों इसको देखने चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखो देखो न्यू एप्स इन एंड अल्टिलिटीज न्यू, इस पर मैंने प्रेस किया है, और न्यू एप्स एंड ऊपर देखो अल्टिलिटीज, यानी नए नए ऐप्स दोस्तों इसके अंदर जो अवेलेबल या फिर आते हैं दोस्तों वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों ये कायोस स्टोर दोस्तों ये नोकिया मोबाइल का है, और हमने ये फ़ोन के इसको ले लिया है, और नीचे देखो अल्टिलिटीज के दोस्तों यहाँ पे देखो QR कोड स्कैनर या फिर रीडर, और यहाँ दोस्तों नीचे ऐप्स आते हैं, और यह भी दोस्तों ऐप दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर डूडू गो, ये भी इसके अंदर है दोस्तों, ये देखो ऐप्स है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों आप जो भी ऐप को इस पर प्रेस करो ऐप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, वीडियो को करना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्या कुछ राय है ऐप कायोस स्टोर के बारे में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करोगे दोस्तों तो
दोस्तों मेरे को पता चला दोस्तों वीडियो पसंद आए और चलो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक साथ। जय हिंद, जय भारत।